नमस्कार दोस्तों, पोमिनोटो एरिया 7 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जीप कमांडर 7 सीटर एसयूवी के बारे में। जीप ने आखिरकार कमांडर को ऑफिशियली तौर पर लॉन्च कर दिया है। दक्षिण अमेरिकन मार्केट में 3 रो वाली एसयूवी कंपास पर आधारित है। जीप कमांडर को पूरी तरह से कार मेकर के पर्नम्बुको के फेसलिफ्ट सेंटर में बनाया गया है, जो ब्राजील में है, और ठीक उसी प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है जिस पर कंपास, रेनेगेड और दूसरे जीप मॉडल को बनाया गया था। ग्लोबल डेब्यू के बाद इसे भारतीय बाजार में भी लॉन्च किया जाएगा। हालांकि भारत में इसे किसी दूसरे नाम से लाया जाएगा, क्योंकि भारत में कमांडर नाम के कॉपीराइट्स ऑलरेडी महिंद्रा के पास है। तो यह आने वाली जीप की 7 सीटर एसयूवी को जीप मेरिडियन के नाम से इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है। ब्राजील में इस 7 सीटर एसयूवी का नाम जीप कमांडर रखा जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि यह कार भारतीय बाजार में लॉन्च होने के बाद ही सीधी टक्कर करेगी भारत में फुल साइज एसयूवी सेगमेंट की 2 पावरफुल कारों से, जिनमें टोयोटा फॉर्च्यूनर और फोर्ड एंडेवर शामिल है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में जीप कमांडर की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट, प्राइस, इंटीरियर, एक्सटीरियर फीचर्स, इंजन पावर सभी के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो के अंत तक बने रहे। दोस्तों पहले तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, जिससे हमारी ओर से आने वाली सभी ऑटोमोबाइल अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं जीप कमांडर के एक्सटीरियर से। जीप कमांडर 7 सीटर एसयूवी ब्रांड के लाइनअप में कंपास और बड़ी ग्रैंड चिरोकी के बीच में फिट होगी। ब्रांड का एक टीजर पहले से ही दिखाया जा चुका है, जिसमें 7 सीटर एसयूवी कमांडर का नाम का खुलासा हुआ है। टीजर में मेरिडियन के डिजाइन का संकेत मिलता है। यह ग्रैंड चिरोकी के स्केल डाउन वर्जन की तरह दिखेगा। FCA के स्मॉल वाइड 4x4 प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी, जो कंपनी अपनी कंपास एसयूवी में भी इस्तेमाल करती है। हालांकि लंबे व्हीलबेस और बड़ी एसयूवी को बनाने के लिए जीप कंपनी इंजीनियर इस प्लेटफॉर्म को डेवलप करेंगे। यह प्लेटफॉर्म मजबूत और सख्त होगा और सेकेंड जनरेशन की रेनेगेड को विकसित करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और इस एसयूवी के फ्रंट में आपको 7 सीटेड रीडिजाइन फ्रंट ग्रिल देखने को मिल जाएंगी, शार्प LED हेल लैम्प, फॉग लैम्प, रीडिजाइन फ्रंट बम्पर, स्किड प्लेट फ्रंट और रियर में। साइड से आप इसको देखें तो 18 इंच के अलॉय व्हील्स, रियर में आपको नए लुक की LED टेल लाइट देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं जीप कमांडर के इंटीरियर के बारे में। जहां तक जीप कमांडर के इंटीरियर की बात है, तो यह कंपास से ज्यादा प्रीमियम होने की उम्मीद है। इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो से लेस होगा, डिजिटल TFT, इंस्ट्रूमेंट कंसोल, हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स, मल्टी जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैनारोमिक सनरूफ और प्रीमियम अपहोल्स्ट्री जैसे अपमार्केट फीचर्स मिलने की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जीप कमांडर को 6 सीटर और 7 सीटर विकल्पों के साथ पेश किया जाएगा, जिसमें 6 सीटर वाला मॉडल सेकेंड रो में कैप्टन सीट्स के साथ आएगी, जबकि 7 सीटर वाली कमांडर को दूसरी लाइन में बैच प्रकार की सीट्स मिलेगी। एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए इसकी सीटों को आराम से मोड़ा जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं जीप कमांडर में मिलने वाले इंजन की। जीप कमांडर में जीप कंपास की तरह ही 2 लीटर टर्बो डीजल इंजन दिया जा सकता है। हालांकि इंजन की पावर में बदलाव किए जाएंगे, जहां जीप कंपास में 170 PS और 350 Nm का टॉर्क जनरेट करने की क्षमता थी, वही जीप कमांडर का इंजन 200 PS की पावर और 400 Nm का अधिकतम टॉर्क जनरेट करेगी। इसमें आपको टर्बो पेट्रोल इंजन का भी विकल्प दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं जीप कमांडर की लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में। दोस्तों जीप कमांडर को 2022 के मिड में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। इसके तकरीबन प्राइस की बात करें तो 20 लाख से 35 लाख के बीच में रखी जाएगी। तो दोस्तों क्या यह कार इंडियन मार्केट में लॉन्च होती है तो आप लेना पसंद करेंगे, मुझे कमेंट सेशन में जरूर बताएगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, जिससे हमारी ओर से आने वाली सभी ऑटोमोबाइल अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों थैंक यू अंत तक देखने के लिए।